नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर वन लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बेशक हम सभी जानते हैं कि इस बीच जो महामारी फैली हुई है कोरोना को लेकर के, उससे हम सभी अछूते नहीं हैं और दिन प्रतिदिन इसके आंकड़ों में इजाफे जो है वो लगातार तौर पर हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं। इसी बीच बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं वो कोरोना से जंग जीत करके घर भी लौट चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं। शहर सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें तो सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी गौरी शंकर गोयल जी, जो कि एक शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं और सभी इन्हें जानते हैं, बहुत प्यार देते हैं। इस बीच कोरोना से ये संक्रमित चल रहे हैं और अपने घर में खुद को आइसोलेट करते हुए अपनी ट्रीटमेंट जो है ये चला रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बोलो। स्वागत करेंगे एसके लाइव में और बहुत आशा उम्मीद करेंगे कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए इस कोरोना को लेकर के। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को भी ये बता दें कि आज जो ये प्रेरणादायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हम लोग कर रहे हैं एक जूम के माध्यम से, तो गौरी शंकर गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। एसके लाइव के सभी दर्शकों का सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव के नाते सबको मेरा नमस्कार। और आप सब मास्क लगा के रहें, अपने नाक मुख आँख को बचाएं, हाथ से कभी भी कोई चीज छुए तो जरूर सैनिटाइज करें, इससे आपको बचना है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस बताइए आप। देखिए, मैं जब 4 तारीख दो बार मुझे बुखार, तो उस टाइम पर मुझे मेरे को समझ में आया था कि बुखार ऐसे ही है। उसके बाद जब मेरा टेस्ट बिगड़ा तब मुझे मुझे टेस्ट कराना चाहिए, और मैंने टेस्ट कराया। उस पर डॉक्टर ने नेगेटिव भी बोला। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। मैं तो 4 तारीख से ही समझ रहा था कि पॉजिटिव, समझ के ही मैं कहीं गया नहीं। उसके बाद जो पॉजिटिव बोला, तो फिर डिस्कशन लिया कि मैं घर पर रहकर ही इलाज कर। देखिए, इतने दिनों में मैं सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का भी सेक्रेटरी रहा, तो मुझे खुशी है कि हमारे बीच में डॉक्टर शर्मा जी जो थे, उन्होंने मेरे को बगल में बैठ के मेरे को देखा और उन्होंने अपने हाथ से मेरा छाती की प्रेशर देखा, चेस्ट की पोजीशन देखी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप तो कुछ भी नहीं पहन के रखे हैं। हाथ से दे, मुझे संतुष्टि नहीं है कि मैं पेशेंट को देखा हूँ कि नहीं देखा हूँ। इसलिए उन्होंने कोई प्रिकॉशंस नहीं है, आदमी मैंने अच्छे डॉक्टर के हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट किया। देखने के बाद मुझे कुछ मेडिसिन दी और मैं मेडिसिन अभी खा रहा हूँ। और आपको खुशी है कि अभी मेरी रिपोर्ट अभी तुरंत 2 मिनट पहले स्टार्ट होने से पहले नेगेटिव भी आ गई है। सुन रहे हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ तो रही है। मेरी रिपोर्ट अभी 2 मिनट पहले नेगेटिव भी आ चुकी है, फिर भी मैं घर में ही फिलहाल रहूंगा। अच्छा, अभी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है अभी फिलहाल? अभी 5 मिनट पहले ही मुझे खबर मिली है कि आपकी अच्छा, रिपोर्ट अच्छा। नेगेटिव आ चुकी है। अच्छा, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको कि अभी अभी जो आपकी रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। नहीं, मैं अभी भी समझता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव का इशू नहीं है जी। आपको मन में लसे कि तकलीफ है कोई भी चीज की, आप उस दिन से समझ लो कि मैं पॉजिटिव पेशेंट हूँ और खाने को ऊपर विशेष करके ध्यान रखूं, ये बहुत जरूरी है। हम लोग अच्छा। गलती से खाने पीने की चीजों पर ध्यान नहीं रखते हैं, उसकी वजह से बीमारी बढ़ती है, उसको रोकना ही है। तो आपको समझ लो कि आप हर समय बाजार में जब भी लिख लो कि आप समझो मैं कोरोना पेशेंट ही हूँ, जब तक आप टेस्ट नहीं कराते हैं जी। उसी हिसाब से आप अपने को खाने पीने पर ध्यान दें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। देखिए, हम लोग व्यापारी हैं, व्यापार करना हमारा कर्तव्य है। बहुत से लोग एसोसिएशन कम्युनिटी डीलिंग करते हैं, बहुत से लोग अनएसोसिएशन कम्युनिटी भी डीलिंग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यापार ना करें, व्यापार करें, कम से कम अपना दायित्व तो समझते हुए करें। हमारे साथ में लाखों लोग जुड़े रहते हैं, उनको भी देखना अपना दायित्व तो होना चाहिए। खाली हम अपना व्यापार करते रहे और ये नहीं हो सकता है। सामने वाला कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। हमें जितनी सेफ्टी दरकार है, सामने वाले को भी कहीं दरकार पड़े तो जरूर टोके आप।
कि भाई आप अपना मास्क पहनिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब तक आप देखिए, एक बार कोरोना टेस्ट होने के बाद आप नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आ जाए, 9 दिन के बाद वो खत्म हो जाता है जी। इसके कारण 9 दिन तक खूब सिम्टम्स आपको होशियारी रहनी है। उसके बाद कुछ मेडिसिन है वो आप रेगुलर लेते रहें, इससे आपको अच्छा फायदा मिलता रहेगा। जी बिल्कुल। अगर इसी बीच अगर अभी हम, तो बहुत सी मेडिसिन, हाँ बताइए। इसी बीच अगर हम व्यापार की बात करें, जिस तरीके से अगर आपने इस बात को छेड़ा ही है, तो पिछले 2 दिन पहले ही अगर जब मतलब रिपोर्ट आपकी जब पॉजिटिव आई थी, और उस बीच कुछ माहौल जो है वो गरमाया हुआ था, जो अन्य व्यवसायी समिति के जो लोग हैं आपके सदस्य, अन्य व्यापारी जो है वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो 2-3 दिनों के लिए बाजार बंद हुआ है उसको लेकर के उनमें कहीं ना कहीं एक हलचल देखी गई थी। वो लोग मांग कर रहे थे कि ये 2-3 दिन बंद करने से अच्छा है कि एटलीस्ट 10-15 दिन बंद किया जाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे एक सचिव होने के नाते? देखिए, बाजार बंद करना नहीं करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ये देखा था कि लास्ट 4 नंबर 5 नंबर वार्ड को डीएम साहब ने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया था जी। और हमारे मैक्सिमम मजदूर भाई और काम करने वाले लेबर्स बाहर से आते हैं हमारे बाजार में, उनको आने की परेशानी होगी और हमारे जो सर्विस माने स्टाफ है वो भी बहुत जगह बाहर बाहर से आते हैं बाजार में, तो उनको प्रॉब्लम ना हो। बहुत से 8-9 नंबर वार्ड की वजह से उनकी समस्या थी, उसको ध्यान में रखते हुए प्लस जो जी ढंग से 7-8-9 नंबर वार्ड जो व्यावसायिक वार्ड है इसमें जी ढंग से कोरोना पेशेंट बढ़ रहे थे, वो भी हमें एक चिंता का कारण था। इसीलिए एक प्रिकॉशन लेने की चेष्टा की, कम से कम 96 घंटा हम लोग चेन को ब्रेक कर पाए, कम से कम कुछ दिन तक हम सेफ में रह पाएंगे, ये हमने इसीलिए किया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि इस बीच आप घर में ही है, खुद को घर में ट्रीटमेंट चल रही है आपकी, तो जब पहले बार आपको इस बीच बहुत सा बाहर भी जाना पड़ रहा होगा, अपने वार्ड में इलाकों में भी आप सर्वे भी करते हुए कई बार नजर भी आए थे, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बाहर से या फिर किस तरीके से जब मेरे को 6 तारीख को नेगेटिव बताया गया था जी, देखिए मैं अभी तक तो मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं लोगों को फोन में ही अपनी जो सुविधा असुविधा लोगों को समझा रहा हूँ, कोई गलती कोई कर भी रहा है हमारे मेंबर्स तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसका पालन करें, हम सब की सुविधा के लिए किया गया है, किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, सब व्यापारी है, हम लोग आज नहीं तो कल भी कमा लेंगे। कमाने से पहले जरूरी अपनी फैमिली को देखना, हमारे स्टाफ को देखना, हमारे लेबर्स को देखना, कारण लेबर स्टाफ अपने ऊपर डिपेंड है, उनको किसी को भी कोरोना होती है तो हम उसकी। देखिए हमारे यहाँ पर बहुत से लोगों का आना जाना है, में ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, जीप वाले हैं, बड़ी ट्रकों हैं, बाहर से भारत हमारे भारत से बहुत सी ट्रकें आती है हमारे यहाँ पर जी। तो हमको सबको देखना पड़ता है, उनको भी समझाना पड़ता है, और व्यापारी भी देखिए चाहे अच्छे बड़े सभी व्यापारी हैं, वो व्यापारी को उनको भी जागरूक करना हमारा काम होता रहता है, उनको भी हम समझाते रहते हैं कि आप ये गलती ना करें, जिससे आपके एरिया में आपके व्यापार में जितने भी स्टाफ हैं किसी को कोरोना ना हो इसके लिए आप ध्यान रखिए। देखिए कोरोना होना बड़ी बात नहीं है, कोरोना हर घर में हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। हर परिवार में हो सकता है, उसको हमें सावधानी से कम हो इसका ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। 9 दिन तक का ज्यादा जरूरी होता है। और कोई सवाल आपका? बिल्कुल सर। सर शुरुआती दिनों में जो आपके सिम्टम्स थे उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए पहला सिम्टम्स तो मेरे पास जनरली क्या था कि 99 डिग्री 2-3 दिन मेरे बुखार है, और बुखार के बाद मुझे ऐसा हुआ कि मेरे जीभ खाने का टेस्ट मेरा बिगड़ रहा है। अच्छा। और इस वजह से फिर देखा कि आसपास के लोगों को जी ढंग से कोरोना पेशेंट हो रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं एक बार टेस्ट करा लेता हूँ। टेस्ट करने के बाद 28 दिन के बाद मेरा पॉजिटिव नेगेटिव आता 14 दिन के बाद, वहां से मुझे जब टेस्ट नहीं आ रहा था और मुझे आसपास के लोगों को देख रहा था कि उनको पॉजिटिव हुआ कराना चाहिए, मेरा पहली बार टेस्ट नेगेटिव ही दिखाया गया उनको। अच्छा। 2 दिन बाद मुझे कहा कि आप पॉजिटिव हैं, इसलिए मैं कि मेरा पॉजिटिव नहीं आना चाहिए था फिर भी आया जी। कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो फिर भी मैंने फिर टेस्ट कराया और अभी कुछ देर पहले ही मुझे बोला गया है आपका टेस्ट नेगेटिव ही है।
बिल्कुल, बहुत बहुत खुशखबरी है ये और एक अच्छी खबर है कि जिस तरीके से पिछले दिनों जल्द से जल्द सेवा कर पाएंगे ये हम जरूर चेष्टा करेंगे। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है आप सभी दर्शकों को बताते हुए कि जो सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के जो सचिव है वो पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे और अभी ये बता रहे हैं कि इनकी जो 5-10 मिनट पहले जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई हुई है और ये काफी अच्छी एक बात जो है वो है। सर फिलहाल घर में आप है तो घर में किस तरीके से प्रिकॉशंस ले रहे हैं या फिर डॉक्टर किस तरीके से? देखिए घर में मैं डॉक्टर से सलाह लेने के बाद मैं घर में एक रूम में हूँ, मेरा रूम टॉयलेट बाथरूम मेरे साथ में है, मैं मेरे रूम की सफाई खुद ही करता हूँ, मेरा कपड़ा भी मैं खुद धोता हूँ, है खाने का बर्तन जो भी है खाने के बाद उसको सफाई करके फिर डस्टबिन में डालता हूँ। अच्छा, इससे लोगों को फेंकने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिस तरीके से आप बता रहे और घर के परिवार वालों से आप दूरी एकदम बनाए हुए हैं अभी फिलहाल घर के परिवार वाले हमारे रूम के बाहर में हैं और हमारी मदर है, हमारी एक मासी है, एक हमारी वाइफ है, 3 लोग हम अभी घर में हैं, 2 हमारे रोगी हैं हमारे घर में, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है और मैं उनको आवाज से समझा देता हूँ, हमारी बात को मानते हैं और मैं जो दरकार पड़ती फोन से कंडक्ट करके अपने खाने पीने की सामान जो इच्छा होती है सब मंगा लेता हूँ। अच्छा, मेरे रूम के बाहर रखते हैं उसे लेके फिर मेंटेनेंस करता हूँ। सर आपने घर पे रहना ज्यादा बेहतर समझा और अस्पताल कोविड अस्पताल ना जा करके, इसके विषय में अगर आप क्या बोलेंगे? हाँ, तो कहा गया कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, हम बोले हॉस्पिटलाइज होना बड़ा बात नहीं है, हॉस्पिटल में सर्विस भी मिल जाएगी, ठीक है जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है अच्छे है, देखिए मैं बुरा नहीं बोलूंगा, बीमार होने का मरने का कारण है हम लोग की खुद की गलती। गलती क्या है, हम लोग ऑक्सीजन लेवल को चेक नहीं करते हैं। ज्यादातर इंडिया में जितने भी पेशेंट मरे हैं मरने का कारण है ऑक्सीजन लेवल को लापरवाही से मेंटेन करना। आपका ऑक्सीजन लेवल रेगुलर गिर रहा हो, बुखार रहेगा आपको तो ऑक्सीजन लेवल नहीं घटता है, बुखार जाने के बाद ऑक्सीजन लेवल घटने की चांसेस होते हैं, आप उसको मेंटेन करें, उसको ध्यान रखें तो कम से कम पीरियड में ऑक्सीजन कम हो जाए। ज्यादा मेडिसिन की भी दरकार नहीं, आप घर में रहें और अच्छे ढंग से खाना खाएं, आप जो 2-3 बार दिन में आप गर्रा जो चाय के जैसे बनाते हैं कुछ आइटम्स को लेकर वो बनाएं वो पिए, खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखें, भाप ले, इससे बहुत कुछ आपको बीमारी से बचने का रास्ता है। अच्छा, काढ़ा जिस तरीके से बोला जा रहा है, काढ़ा पीने के लिए, गर्म पानी पीने के लिए, गुनगुना पानी पीने के लिए, तो वो सब आप किस तरीके से आजमा रहे हैं? काढ़ा भूसी आइटम का है, आप उसको पिए, ये ज्यादातर तो लोग आप पी सकते हैं कि माने आप लौंग डाल के, अजवाइन डाल के, है उसके बाद अदरक डाल के बनाए, हल्दी डाल के उसको गड़ा बना के पिए। जी सर, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर लास्ट घर में डॉक्टर ने कहा भी है, कोई परहेज नहीं है। जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि आप हमारे माध्यम से दर्शक जितने भी देख रहे हैं, जी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या प्रेरणादायक, क्या हौसला बढ़ाने के लिए आप उन्हें क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे सर? पहली बात तो हिम्मत हारने की चीज नहीं है, कोरोना ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे आप डरे, आप खाली आपको सावधानी बरते। अच्छा। भाई जब सब जगह पर कोरोना हो रही है तो आप अपनी सावधानी बरते, उसकी नजर रखें, उसके ऊपर आप खाने पीने पर आपके शरीर के ऊपर थोड़ा सा दायित्व तो लेकर दायित्व को निभाएं। अच्छा। कि मेरे को शरीर में ये चीज की कमी है उसको खाना होगा, ये करेंगे तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नाक को मास्क को नाक के ऊपर तक लगा कर रखें, जल्दी से छूने की चेष्टा ना करें, जब भी छूए तो सैनिटाइज करें, इसका जरूर ध्यान रखें। आप जब तक भी ऐसा भी कारण सुना गया मुझे, आप एक रूम में आप रहते हैं, मान लीजिए 15 मिनट कोई आके जाता भी तो आप उसको करने की डर नहीं है, कम से कम 15 मिनट के बाद उसको हो सकता है इफेक्टेड। अच्छा। और में कोई इफेक्ट होने की जगह नहीं, आप नाक नहीं ग्लव्स मास्क नहीं पहनेंगे, आप सोशल पालन नहीं करेंगे तो आपको होने की रिस्क रहेगी ना।
बिल्कुल पालन आपको करना ही पड़ेगा। और आप जिस तरीके से अभी बता रहे हैं रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आ गई है, बहुत खुशी की खबर है। मैं अभी मेरा नियम से मैं 13 तारीख तक फिर भी घर में रहूंगा, चेष्टा करूंगा कि 13 तारीख तक मैं घर में ही रहूं। बिल्कुल, इससे कि मेरा क्रॉस जो 14 दिन का क्रॉस है कम्प्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सर, और बहुत यही आशा करेंगे कि अभी जिस तरीके से नेगेटिव आई है आप स्वस्थ हो जाइए, ठीक हो गए हैं और घर में अभी फिलहाल खुद को क्वारंटाइन किए हुए, होम क्वारंटाइन किए हुए। तो हम सुन रहे थे गौरी शंकर गोयल जी से कि इनकी जो कहानी है फिलहाल कोरोना में ये जिस तरीके से संक्रमित हुए हैं और घर पर रह करके खुद की ट्रीटमेंट जो है वो करवा रहे हैं, डॉक्टर की निगरानी के अंतर्गत खुद को अलग किए हुए हैं, खुद की साफ सफाई की व्यवस्था खुद देख रहे हैं, जो खाना पीना आ रहा है, इनके कपड़े धोने से लेकर के ये सब कुछ ध्यान में रख करके खुद जो है मन में एक हौसला हो तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। और उन्हीं की आज एक मिसाल जो है गौरी शंकर गोयल जी से हमने सुना। तो जो भी कोरोना संक्रमित है उनको डरने की जरूरत नहीं है, और इसी तरीके से जो है आगे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद सर। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस वो बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।